हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फातिमा पापास किचन। आज अपन बनाते हैं एक हेल्दी और मज़ेदार और इस समर में एकदम मज़े में भी कम नहीं है, वैसा बोल के हेल्थ में भी बहुत बहुत हेल्दी है ये। तो आप लोग इसमें थोड़े से इंग्रेडिएंट्स डाल के अच्छा मज़ेदार और हेल्दी बटर मिल्क बनाने का तरीक़ा आप लोग को सिखाती हूँ। तो इस समर में ये पूरा अच्छा से डेली बना के पी के आप लोग एंजॉय कर लीजिए। तो लीजिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए फर्स्ट अपन मिल्क को गर्म करना है। गर्म कर लिए बाद, अच्छा सा गर्म कर लिए बाद अपन इसको कम्प्लीट ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। ये अपन दही जमाना रहे तो अगर अपने को पूरा रूम टेम्परेचर नहीं आना है, थोड़ा सा गुनगुना होना है इसको। थोड़ा सा मीन्स वो टेम्परेचर, ये समर विंटर राइनी के हिसाब से अपन ये चेक कर लेना है। विंटर सीजन में थोड़ा सा गर्म ही रहना है, ये समर में गुनगुना रहना है तो एनफ है। उस तरीके से अपन ये इसको ठंडा कर लेके उसमें अपन थोड़ा सा दही डाल के जमा लेते हैं। जमा लिए बाद अपने को दही बोलते सो अच्छा सा रेडी हो जाते हैं। देखिए जिस तरह से रेडी हो जाता है अपने को दही हो गए बाद, अब अपन इसको एक ब्लेंडर जार लेके जूस जार ले लीजिए ले लेके अब अपन इसमें डालते हैं थोड़े से करी पत्ते। आप लोग, मैं मेजर्स क्यों नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप लोग आपके टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लीजिए। कम दही रहे तो कम ऐड कर लीजिए, अगर ज़्यादा रहे बोल तो ज़्यादा। उसके बाद अपन पूरा सा अच्छा सा एक टीस्पून ज़ीरा, अगर आप लोग भून के इसको ज़ीरा पाउडर बना के पाउडर भी मिला ले सकते हैं। वो पाउडर मिला लेने से भी अपने को पूरा सा हेल्दी मिलता है अपने को। या अगर थोड़ा सा कहीं भी ग्राइंड नहीं हुए तो भी पूरा सा निकाल देते हैं छोटे बच्चे, अगर पाउडर डाले तो पूरा हेल्दी से अपने पूरा अपने पेट में चले आता है। तो उसके बाद थोड़ा सा टेस्ट के मुताबिक का नमक, और उसके बाद अपन इसमें जितना दही अपने को होना है उतना दही अपन इसमें ऐड कर लेते हैं। ऐड कर लेके मैं थोड़ा सा दही, थोड़ा सा बटर मिल्क, आप लोग को सिर्फ एक दो ग्लास का बटर मिल्क बना रही हूँ। तो इस तरह से दही डाल लेके अब अपन इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा नींबू। मीन्स ज़्यादा खटास रहे तो अपने के बटर मिल्क उतना टेस्ट नहीं आता है, इसलिए थोड़ा सा कर्ड रहने से थोड़ा सा छोटा सा हाफ ने उसमें नींबू में 1/4 हिस्सा कट करके उसमें का थोड़ा जूस, मीन्स 1 टीस्पून जूस आता है, वो जूस को डाल लीजिए। डाल दे के एक बार पानी नहीं मिक्स करे जैसा पूरा अच्छा सा ब्लेंड कर लीजिए। मीन्स वो करी पत्ते अपने को ज़ीरा पूरा भी क्रश हो जाना है। करी पत्ते छोटे छोटे पीसेस आए तो अपने को आराम से अपन पीने के लिए ईजी रहता है, अगर बड़े बड़े पीसेस रहे तो पीने को उतना ये मीन्स अपने को मन नहीं करता है। तो इसलिए पूरा अच्छे छोटे छोटे पीसेस हो गए बाद अब अपन उसमें जितना अपने को पानी होना समझे तो उतना पानी ऐड कर लीजिए। अब अपने को बटर मिल्क रेडी हो जाता है। तो पानी ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रहना है, तो मेरा थोड़ा सा गाढ़ा ही हो गया है। फिर उसमें फिर भी मैं पानी ऐड करके फिर बटर मिल्क को ज़रा थोड़ा सा पतला करी। तो देखिए इस तरह से ग्लासेस को रेडी में रख लेके अपन सर्व करने के लिए रेडी हो। तो देखिए इतना सा गाढ़ा है ना, गाढ़ा नहीं रहना है बटर मिल्क कभी भी, थोड़ा सा पतला ही रहना है, रहने से अपने को हेल्दी है। गाढ़ा पिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पतला पीने से अपने को अच्छा सा हेल्दी है बटर मिल्क, जितना पतला हो तो उतना हेल्दी है। तो इस तरह से अच्छा सा अपने को बन के तैयार हो गया अपना बटर मिल्क। अगर आप लोग को अगर पसंद आए तो थोड़े से आइस क्यूब्स भी ऐड कर लेके पी सकते हैं। अच्छा सा समर में कूल कूल बटर मिल्क अपने को बन के तैयार हो जाता है। अगर आप लोग को ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करो, फ्रेंड्स को रिलेटिव्स को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।